Hello to my all viewers. Viewers, I am Sachin Gupta. I am your bio faculty. दोस्तों आज जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा यह है रिप्रोडक्शन सिस्टम. बट बिफोर दैट मैं आपको अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं मेरे इस दिए हुए जीमेल पे जो कि है सचिन गुप्ता 9536@gmail.com. दूसरा है मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो कि है सचिन गुप्ता 9536. सवरिया क्लासेस फेसबुक पेज है, अगर आपने इसे लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए. ये टेलीग्राम चैनल है जो आपको नोट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश में पाने के लिए आपको इसे ज्वाइन करना पड़ेगा. तो चलो हमेशा की तरह जैसे मैं धमाकेदार क्लासें आपके लिए लेके आता रहता हूँ, बेहतरीन धमाकेदार क्लास ये भी है. चलो चालू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिल्कुल ही मस्त तरीके से. तो देखो चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट पीपीटी पे. दोस्तों ये है हमारे द्वारा लिए गया इनिशिएटिव जिसमें जो टीचर्स मैं आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आशीष सर आपको जोग्राफी पढ़ा रहे हैं, यहाँ मैं साइंस इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ अर्चना मैम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रही हैं, प्रेम सर हिंदी पढ़ा रहे हैं, अनु सर आपको मैथ पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आप देख पा रहे होंगे ये हमारे टीचर्स के नेम हैं जो आपके साथ में भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराने के लिए. यहाँ पे मैं जो कि साइंस इको पॉलिटी करंट अफेयर ये कवर करता हूँ आपके, आशीष सर आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ले रहे हैं, आशीष सर अभी इकोनॉमिक्स भी ले रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर सॉरी आशीष सर अभी रीडिंग भी ले रहे हैं लेकिन अभी वो आगे रीडिंग नहीं लेंगे, रीडिंग उसको इसलिए ले रहे हैं ताकि रीडिंग आपकी रुके ना. इन फ्यूचर दोस्तों जब हमारे पास रीडिंग का टीचर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन जब ओपन होगा तो हम लोग उसमें टीचर जो है वो अरेंज कर लेंगे, अभी अरेंज नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. अर्चना मैम आपको यहाँ ज्योग्राफी करा रही हैं, प्रेम सर हिंदी करा रहे हैं, अनु सर आपको मैथ करा रहे हैं, अभी प्रेम सर आपको एकेडमिक्स की हिंदी करा रहे हैं लेकिन एज फार एज पॉसिबल प्रेम सर आपको 10-5 दिन के अंदर ही क्या करने वाले हैं, आपको जो कंपटीशन का हिंदी है ये पढ़ाने वाले हैं. तो चलो मैं अपने आज के लेक्चर को दोस्तों स्टार्ट करता हूँ इसी नोट के साथ. तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बातें कर ली थी, अब यहाँ याद रखना यहाँ चीज़ें भूलना मत. रिप्रोडक्शन चैप्टर मैंने हमेशा देखा है बच्चे मजाक में लेते हैं, ओके, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में मैंने देखा है कि हर जवान बच्चे के चेहरे पे हंसी रहती है क्योंकि पता नहीं उसे ऐसा कौन समझ आता है. एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, मैं जब छोटा था ना, जब मैं 10th में था तो जो मेरे टीचर ने मुझे चैप्टर पढ़ाया तो भैया बड़े ही मतलब एक अजीब गरीब तरीके चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर ही समझ में नहीं आया. अब पता नहीं क्या रीज़न रहे होंगे सर के, सर ने इस तरीके चैप्टर पढ़ाया था कि सर को शर्म से आ रही हो पढ़ाने में, ओके, लेकिन इससे हुआ क्या कि इससे हमारा लॉस हो गया, हमें वही चीज़ें समझ में नहीं आई. और जब मैंने पेपर दिया था 2014 में 10th क्लास का तो वहाँ पे हुआ क्या कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिनका वेटेज रिप्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा था तो वहाँ मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा. तो अगर आप लोग हैं कंपटीशन के विद्यार्थी क्लास 10th या 12th के हैं तो दोस्तों इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर पेपर में बहुत आता है, ओके. तो ये जो है स्लाइड मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दी थी, इसके बाद में मैंने आपसे डिस्कशन जो था वह इस स्लाइड पर भी कर लिया था. सॉरी अभी मैं उस वाली स्लाइड को लेके आता हूँ. हाँ तो हमने इस स्लाइड पर पूरा डिस्कशन एक मिनट इस वाली स्लाइड पर हमने डिस्कशन कर लिया था. इसके बाद हमने इस वाली स्लाइड के बारे में डिस्कशन कर लिया था. दोस्तों नंबर 1 का तुम्हें कंटेंट दिया जा रहा है मेरे द्वारा, नंबर 1 का. तो यहाँ पे ना ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है. अगर समझ नहीं आ रहा तो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको 4 जगह बताई हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हो. तो रिप्रोडक्शन के मैंने आपको टाइप भी समझाया था, बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. इसके बाद मैंने आपको ये वाली स्लाइड पढ़ाई थी, आफ्टर दैट ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली और फिर ये वाली. आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा. देखो दोस्तों ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि आपका सिलेबस मैं पूरा नहीं करवाऊंगा. यहाँ जब मैंने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया है ना तो दोस्तों वो मैं एंड तक भी लेके जाऊंगा. पॉलिटी मैंने रोक रखी है, उसका रीज़न ये है कि दोस्तों अभी जो है ना वो मेरे को यार बोर्ड नहीं मिल पा रहा, बोर्ड नहीं मिल पा रहा इसकी वजह से मैं क्लास नहीं दे पा रहा हूँ. लेकिन जल्दी से जल्दी ऐसे भगवान से हम लोग मिलके कामना करते हैं कि इंडिया जो है नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए, और इंडिया ही क्या यार, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि पूरा वर्ल्ड नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए जिससे मैं दोस्तों पॉलिटी आपकी बोर्ड पूरे स्टार्ट कर पाऊँ. क्योंकि पॉलिटी इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स,
पॉलिटी क्या है दोस्तों, पॉलिटी 70-80% तो अगर आपने पॉलिटी का स्ट्रक्चर समझ लिया ना तभी ख़त्म हो जाती है आपकी। तो पॉलिटी स्ट्रक्चर है, और मैं स्ट्रक्चर जो है वो बोर्ड पर ही बना सकता हूँ, यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता। यहाँ मैं पीपीटी को सेट कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर सारा एक्सप्लेनेशन मैं आपको वहाँ बोर्ड पर ही अच्छे से दे पाऊँगा। तो यहाँ पे आज मैं आपको समझाऊँगा रीजनरेशन। बायोलॉजी में तुम्हें इतना दे दूंगा ना, मैं इतना पढ़ाऊँगा बायो के अंदर, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बायोलॉजी में इतना लॉजी कर दूंगा, इतना लॉजी, ये भी लॉजी, वो भी लॉजी, ये भी लॉजी, इस चैप्टर को भी लॉजी, पीछे वाले को भी लॉजी, आगे वाले को भी लॉजी, बाय वाले को भी लॉजी, यानी इतना लॉजी कर दूंगा। आप कहोगे सर जी बहुत लॉजी, ओके अब बहुत हो गया, अब ना दो जी, ओके मैं इतना लॉजी कर दूंगा। लेकिन आपको ना एक एक लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा, इसके लिए आपको ना मेरे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, इसके लिए मोटिवेट करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर आपके ले पाऊँ, ओके। चलो आज हम बात करते हैं रीजनरेशन के बारे में। अब देखो रीजनरेशन क्या होता है, रीजनरेशन इज अ वेरी वेरी सिंपल प्रोसेस विच इज काउंट अंडर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिनमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। कैसी टेंडेंसी होती है, नेचुरल। ये क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे प्लानेरिया के लिए, ओके प्लानेरिया के लिए देख पा रहे होगे, ऐसा ऑर्गेनिज्म करते क्या है कि जब इनकी बॉडी दोस्तों 20 से डिवाइड हो जाती है, क्या होती है, डिवाइड हो जाती है, ओके। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे इस वाले ऑर्गेनिज्म के लिए, इसकी बॉडी क्या है कि दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, एक ये वाला सेगमेंट जो कि ऊपर चला गया है, एक गलत सेगमेंट जो कि नीचे चला गया है, और फिर बाद में क्या किया, इसने अपने आप को दो पार्ट में इस तरीके डिवाइड कर लिया है, और फिर समय के साथ इसने अपने आप को पूरे पूरे एक ऑर्गेनिज्म के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया। देखो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बहुत सिंपल बोला, और वह मैंने आपसे क्या बोला, ये एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म था पहले, क्या था, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म था, ओके। अब क्या किया कि जो आप देख पा रहे हो कि ऑर्गेनिज्म है, इसने अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जो ऊपर वाला धड़ है वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे है, और जो धड़ से नीचे का जो हिस्सा है वह यहाँ पे है। इसके बाद इनके अंदर नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है जिससे कि ये अपने आप को पूरे फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म के अंदर दोस्तों कर सकते हैं ग्रो। तो यहाँ पर ये एक ऐसा है, ये मान लीजिए प्लानेरिया है, इसने आपको दो, ये क्या बन गया, ये आपका प्लानेरिया है। अब इसने आपको क्या किया, ये प्लेनेरिया हो गया, इसने अपने आप को 200 में डिवाइड कर लिया, ये इसका फेस वाला पार्ट हो गया और ये इसका फेस से नीचे वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ये फेस ऊपर वाला पार्ट, ये फेस से नीचे वाला पार्ट। फिर ये क्या करेगा फ्यूचर में, एक दोस्तों पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म के रूप में अपने आपको ग्रो करा देगा, ओके पूरे पूरे ऑर्गेनिज्म के रूप में क्या करा देगा, अपने आपको ग्रो करा देगा। तो ऐसा जो मोड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। आप लोग इसके नेम पर फोकस करो, नेम पर, जो नेम है इसका री प्लस जनरेशन, यानी कि जो खुद से अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर ले, ओके जो अपने आप को खुद से रीजनरेट कर ले, उसको हम कहते हैं रीजनरेशन। इसके अंडर में आपके जो है, हमने आपको दिखाया एक एग्जांपल, एक परफेक्ट एग्जांपल है प्लानेरिया का। प्लानेरिया क्या है, ये रहा आपका प्लानेरिया, इसने अपने बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये आपका जो है, ये आपका है हेड वाला पार्ट। अब ये हेड वाला पार्ट आगे समय के साथ में एक फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप होगा, हेड वाला पार्ट ये भी समय के साथ में एक फुल फ्लैश ऑर्गेनिज्म के रूप में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही चीज लिखी हुई है, इट इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, इन विच द मिसिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज रिपेयर्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। तो प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स का मीन्स होता है दोस्तों, सेल जो होती हैं वह समय के साथ डेवलप होती हैं, और वह क्या करती हैं, बॉडी का जो मिसिंग पार्ट होता है उसे कंप्लीट करवा देती हैं। जैसे ये देख रहे हो, इसमें सिर्फ हेड है, नीचे का बॉडी पार्ट नहीं है, इसके पास नीचे का बॉडी पार्ट है लेकिन हेड नहीं है। लेकिन जब सेल्स डेवलप होंगी तो जो ऊपर का पार्ट होता है समय के साथ ये आ जाता है। आप यहाँ पे इस वाले पार्ट को देख पा रहे होगे, ये समय के साथ डेवलप हो गया, और इसे देख पा रहे होगे, ये भी समय के साथ आपका डेवलप हो गया। तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन, इट इज कॉल्ड रीजनरेशन। चलो हम आगे चलते हैं। देखो ये है स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, अब्बल दर्जे का डायग्राम स्पोर फॉर्मेशन का। तो उसके लिए आप लोगों को एक सेकंड वेट करना पड़ेगा। देखिए यह वो डायग्राम है जो मैं बेसिकली आपको क्या था दिखाना चाहता था, क्योंकि एक ऐसा डायग्राम है, अगर आपने इसे समझ लिया, यह आप देख पा रहे होगे राइजोपस,
ठीक है, फॉर्मेशन राइजोपस। अब अगर आपने इसको समझ लिया तो आप पूरी जो होल स्टोरी है उसको आप समझ पाओगे। ओके, यहाँ आप पूरी होल स्टोरी को समझ पाओगे। देखो देखो स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये उनमें पाया जाता है, उन प्लांट में पाया जाता है जिनके पास होते हैं स्पोर्स। अब आप पूछोगे सर स्पोर क्या होता है, ठीक है, यहाँ आपने पूछना जाएगा कि सर स्पोर किससे कहते हैं, तो देखो स्पोर कुछ नहीं होता। आप ऐसे याद रखो, प्लांट्स के पास कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, जिन रिप्रोडक्टिव यूनिट के लिए हम बोलते हैं स्पोर। मैंने आपसे क्या बोला, जो प्लांट होता है इसके पास कुछ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं, इन्हीं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के लिए हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। अब ये जो आपके स्पोर होते हैं, ये आप देख पा रहे हो ऊपर की तरफ जहाँ लिखा है स्पोरोगियम, यहाँ पे जहाँ स्पोरोगियम लिखा हुआ है, स्पोरोगियम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक लेयर है। ओके, इसके अंदर छोटे 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 बारीक 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 आपको स्पोर दिख रहे होंगे। दे आर नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। लेकिन क्या होता है, जब दोस्तों एक ऐसा समय आता है जहाँ पे ये वर्स्ट हो जाता है, ये पूरा जो स्पोरोगियम है जब ये वर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, तो इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, जितने भी छोटे छोटे क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं आपके, आप देख पा रहे होगे ऊपर की तरफ जहाँ लिखा हुआ है स्पोर। आई थिंक आपको पूरा तो विजुअल नहीं होगा, लेकिन जितना समझ में आना चाहिए ना उतना ही तो विजुअल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ऊपर की तरफ स्पोर लिखा हुआ है। अब जो छोटे 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 कण लाइक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, एयर के साथ पूरे सराउंडिंग में फैल जाते हैं। अब ये क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो आप इतना समझ सकते हो ये जहाँ भी जाके गिरेंगे वहाँ पे पूरे बड़े से राइजो पस को जन्म देंगे, समझ रहे हो, यानी कि वहां पर राइजोपस नाम का जो प्लांट है वो ग्रो करेगा। एक बार फिर समझ लो, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन एक सिंपल प्रोसेस होती है जिसमें वो प्लांट्स इसे परफॉर्म कर पाते हैं जिनके पास स्पोर्स होते हैं। स्पोर इज नथिंग बट दे आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पोर कुछ नहीं होते, ये होती हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। ओके, ये जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती हैं ये कैपेबल होती हैं अगर लैंड पे कहीं भी गिर जाएं, जब इन्हें गिरने के बाद अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले। अब सर फेवरेबल कंडीशन क्या होती है प्लांट की, तो देखो फेवरेबल कंडीशन की दो होती हैं, इन्हें वार्म्थ कंडीशन मिले, गर्म कंडीशन मिले, यानी कि वहाँ टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में हो। दूसरा जो कंडीशन होती है वह ये होती है कि वहाँ पे रेनफॉल होना चाहिए, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पता लगे डेजर्ट है। ओके, अब आपने मेरे से कहा कि सर राजस्थान के डेजर्ट में हम डाल देते हैं, तो कैसा, क्या ये रिप्रोड्यूस कर पाएंगे अपने आप को राइजोपस की फॉर्म में? अगर स्पोर गिरा वहाँ पे तो क्या वो स्पोर अपने आप को डेवलप कर पाएगा राइजोपस की फॉर्म में? तो मैं कहूँगा आपसे ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ओके, ऐसा जो है बिल्कुल वहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्लांट को ग्रो होने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको बॉडी की मसल्स को स्ट्रांग बनाना है तो आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक हॉर्लिक्स की, दूसरा दूध की। तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हॉर्लिक्स है वह है आपका रेनफॉल, जो दूध है वह है आपका वार्म्थ कंडीशन यानी कि गर्म कंडीशन। तो प्लांट को यहाँ पे ग्रो करने के लिए दो कंडीशनों की नीड होगी, एक तो वहाँ का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, और दूसरा जो है मेरे प्यारे भाई वहाँ पे जो है वो रेनफॉल यानी कि प्रेसिपिटेशन होना चाहिए। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं है तो वहाँ पे होगा कि ये प्लांट है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई। एक बार फिर से मैं पूरा स्पोर फॉर्मेशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्पोर फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। ये वह प्लांट परफॉर्म कर पाते हैं जिनके पास स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर जब बस्ट हो जाते हैं, जब फटते हैं, जब इनकी आउटर लेयर जिस पे लिखा हुआ है स्पोरोगियम, ये जब बस्ट होती है, फटती है जब ये स्पोरोगियम, तो होता क्या है कि ये छोटे 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 आपको जो स्पोर दिख पा रहे होंगे ये पूरी हवा के अंदर फैल जाते हैं। जैसे आपको दिख पा रहा होगा सेकंड इमेज में कि पूरी हवा के अंदर ये फैल जाएंगे, और जब ये पूरी हवा के अंदर फैल जाते हैं ना, तो जब ये पूरी हवा के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, तो होता क्या है कि ये जब हवा के अंदर स्प्रेड होते हैं तो जहाँ पर जाकर गिरते हैं वहाँ पे ये पूरा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर देते हैं, जो कि राइजोपस से अगर गिर रहे हैं तो सीधी सी बात है राइजोपस ही प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए। ओके, चलो अब जो हम नेक्स्ट समझेंगे यह होगा नेचुरल वेजिटेशन। तो एक बार समझ लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल होता है नेचुरल वेजिटेशन दोस्तों बहुत सिंपल होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड। अब आप पूछेंगे सर इसमें क्या होता है, तो देखो नेचुरल वेजिटेशन में कुछ नहीं होता। देखो आपको पता है प्लांट के पास बहुत सारे पार्ट्स होते हैं प्लांट के, जैसे बात करी जाए स्टेम्स होता है, उसका लीव्स होता है। ओके, अब आपने देखा होगा कभी कभी, अच्छा तो लोग एक इमेज ही दिखा देता हूँ जिससे आपको और अच्छा समझ में आ पाए।
देखो ये एक यहाँ पे आप एक इमेज देख पा रहे होगे, ओके। ये जो इमेज है इसमें क्या है, ये लीफ है। ओहो, ये एक लीफ है, ओके, ब्रायोफाइलम की। यहाँ पे आप लीफ पे देख पा रहे होगे और भी जो लीफ है ना वो डेवलप हो रही है, यानी कि जो प्लांट होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट है, स्टेम है, लीफ है, इनके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं। अब बर्ड मैंने आपको समझाया है जब बर्डिंग पढ़ाया है, तो इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि इन बर्ड्स के लिए जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये बर्ड क्या करते हैं दोस्तों, अगर लीफ के ऊपर निकल रहे हैं ये बर्ड, तो अपने आप को ये जो बर्ड होते हैं ये लीफ की फॉर्म में दोस्तों अपने आप को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपगेशन कोई एक अलग मेथड नहीं है, बहुत साधारण सा मेथड। अब ये है कि इस मेथड में होता क्या है कि प्लांट के ऊपर जो रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं, ये जो पार्ट होते हैं, इन पार्ट से होता क्या है कि नया एक सेम टू सेम पार्ट निकल आता है। यानी कि अगर रूट के ऊपर वह पार्ट है, ओके, रूट के ऊपर अगर बर्ड आ गई है तो जो बर्ड होगी वह भी फ्यूचर में अपने आप को डेवलप करेगी रूट की फॉर्म में। स्टेम के ऊपर कोई बर्ड आ गई है तो वह अपने आप को डेवलप करेगी स्टेम की फॉर्म में। अगर लीव के ऊपर कोई बर्ड आ गई है तो वह अपने आप को डेवलप करेगी लीफ की फॉर्म में। यहाँ पे आप लोग इस डायग्राम से देख भी पा रहे होंगे, ये एक लीफ है, ओके। इस लीफ के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स निकल आए हैं, ठीक है, बल्कि लीफ के ऊपर एक लीफ ही निकल आई है, आप ये समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये होता कैसे, देखो ये ऐसे होता है जब भी, जैसे ये लीफ है इसके ऊपर बर्ड छोटे छोटे निकले हुए, अब होगा कि लीफ के लिए जब भी पानी मिलेगा और गर्म कंडीशन मिलेंगी तब ये लीफ क्या करेगी, ये जो बर्ड है छोटे छोटे ये क्या करेंगे, अपने आप को लीफ की फॉर्म में प्रोड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आई, ये क्या है एक बार फिर से समझ लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ मत लाना दिमाग में, इतना समझ लो बस आप। अब वो यह है समझने के लायक यहाँ पे चीज़ें, वो आपको इतना समझना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक ऐसा मोड ऑफ प्रोपगेशन होता है ना, जिसके अंदर होता क्या है कि जो आपका प्लांट का कोई पार्ट होता है, रूट, स्टेम, लीफ, इनके ऊपर दोस्तों छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं। जैसे आप ये लीफ के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये छोटे छोटे बर्ड्स निकल आए हैं, छोटे छोटे बर्ड। बर्ड कुछ नहीं होता, आउटग्रोथ पार्ट होता है, ठीक है, किसी बॉडी का जो आउटग्रोथ पार्ट होता है। जैसे कि इंसान है, इसका पेट अगर बाहर की तरफ को निकल जाए तो पेट जो बाहर निकला हुआ उसे हम कहेंगे बर्ड, ओके। क्या कहेंगे उसे, बर्ड। बर्ड क्या होता है सर जी, बर्ड होता है BUD, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बर्ड। तो यहाँ पे इसी तरीके से लीप से भी कुछ बर्ड बाहर निकल आए, क्या निकल आए, लीप से कुछ बर्ड बाहर निकल आए हैं। जब इन बर्डों के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, अब इस बात में कभी कन्फ्यूज मत होना कि मैं बार बार बोल रहा हूँ फेवरेबल कंडीशन, तो इन बर्ड की फेवरेबल कंडीशन क्या होगी दोस्तों, प्लांट को ग्रो करने के लिए दो कंडीशन नेसेसरी होती हैं। पहली को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा, और दूसरी जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर यानी कि बारिश और तापमान, ये दोनों चाहिए होते हैं। अच्छा चलो इसका तुम्हें एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ, सारे कलेश खत्म, उस एग्जांपल से सारे कलेश खत्म, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। देखो समझो, तुमने देखा होगा कि जब भी हमारे यहाँ बारिश होती तो जो घास होती है वह बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, देखा है कभी, ये होता कैसे है देखो, ये है मान लीजिए हमारा ग्राउंड, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। यहाँ पे क्या है कि ये है लीव्स, ओके, लीव्स हैं, सॉरी घास है, आपकी ग्रास है, ये हमारा ग्राउंड है, उसमें घास। लेकिन जब पानी बरसता है तो आप देखते हो ये घास हो जाती है दोस्तों बहुत घनी, इनकी जो डेंसिटी होती है बहुत बढ़ जाती है। तो ये होता कैसे, कभी सोचा आपने, देखो ये कैसे होता है, समझो इस बात के लिए, ये ऐसे होता है कि जब दोस्तों बारिश का महीना नहीं होता है तो ये जो ग्रास होती हैं ये छोटी होती हैं और दूर दूर होती हैं। लेकिन होता क्या है कि इन ग्रास के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, इस तरीके छोटे छोटे बर्ड होते हैं, ओके, छोटे छोटे बर्ड होते हैं, ये रहे छोटे छोटे बर्ड, इनसे बर्ड क्या होती हैं, अटैच होते हैं, यानी कि जो इनका आउटग्रोथ वाला पार्ट होता है वह अटैच होता है। लेकिन जब भी बारिश, झमाझम बारिश करते हैं यहाँ, ठीक है, बादल से जब भी झमाझम बारिश होती है तो होता क्या है कि होता क्या है, फिर जो ये नीचे वाले होते हैं ना, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ एक मिनट,
फिर यहाँ पे जो ये इस तरीके से अभी थे अब नहीं होंगे ऐसे, अब इनकी डेंसिटी जो होती है ना बहुत बढ़ जाती है, यानी जो घास होती है ना अब बहुत ज़्यादा पास पास आ जाती है। तो बैटरी टिप प्रोपगेशन का सबसे शानदार और सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो अगर कभी भी कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया करे तो उसको एक बार चला के फिर से देख लिया करो, वो चीज़ आपको 100% क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तो ये मैंने आपका क्लियर करा दिया, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था ये क्लियर हो गया। इसमें दोस्तों आपका टिश्यू कल्चर रह गया है, वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, यहाँ नहीं कराऊंगा। अभी मैं आपसे आगे बात करूंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसकी बात करूंगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो चलो आपसे बात करता हूँ मैं आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ पे जो अब हम लोग बात करेंगे यह करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। चलो देखो ये जो रिप्रोडक्शन है इसकी कुछ मेन मेन बातें मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मिनट, जो आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, ये एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दोस्तों दो पेरेंट की आवश्यकता होती है। इन दो पेरेंटों में एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। ठीक है, क्या होता है, एक को हम मेल बोलते हैं, दूसरे के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल। ये जो सेक्सुअल होता है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा होगा, कहीं पर भी मैंने आपसे ये नहीं कहा होगा कि यहाँ पर सेक्स सेल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जहाँ पे सेक्स सेल की नीड होती है। अच्छा एक बात और याद रखना, सेक्स सेल मैं बोलूँ, जर्म सेल बोलूँ या फिर गैमेट बोलूँ, ये तीनों बातें दोस्तों एक ही होती हैं। ठीक है, क्या बोलूँ मैं आपसे, गैमेट बोलूँ, ये तीनों की तीनों बातें जो होती हैं ना ये एक ही होती हैं। तो कभी भी इनमें कन्फ्यूज मत होना, मैं आपसे सेक्स सेल कहूँ, जर्म सेल कहूँ, गैमेट कहूँ, ये एक ही बात होती है। अच्छा अभी बात और समझ लो, जो फीमेल की सेक्स सेल होती है उसे हम कहते हैं एक या फिर ओबा, जो मेल की होती है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। बात समझ में आ गई, जो फीमेल की सेक्स सेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एग या ओबा, जो मेल की सेक्स सेल होती है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक बात और याद रखना, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये दो ही लोगों में देखने को मिलता है, पहला तो एनिमल्स यानी कि हम लोग, दूसरा फ्लावर्स। हाँ भैया, फ्लावर्स में भी यही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो एनिमल्स और फ्लावर्स, इन दोनों में देखने के लिए मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो याद रखना एनिमल्स और फ्लावर, इन दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। तो चलो अब चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, जो लिखा हुआ आपको वही मैंने बता दिया। वेन टू पेरेंट्स ऑफ अपोजिट सेक्स, आप देखो सेम सेक्स वाले अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तब तो भैया हो गया काम, तब तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तब तो रिप्रोडक्शन होना नहीं है ना, उसे जो है वो बायो रिप्रोडक्शन कहती है। अगर सेम सेक्स वाले कभी रिप्रोडक्शन करते हैं तो भैया उसे हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं कहते हैं, यहाँ पे जो है अपोजिट जेंडर ही होने चाहिए। पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अच्छा यहाँ पे होता क्या है, इस रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो मेल का गैमेट होता है, मेल का गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल का गैमेट यानी एग, ये दोनों क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज तो जानते हो ना, फ्यूज माने मिल जाना। यहाँ पे ये आपका फीमेल का गैमेट है यानी कि ये ओबा है, और ये आपका देख रहे हो इस तरीके से लहराता हुआ आ रहा है, ये आपका दोस्तों होता है मेल का गैमेट। ये दोनों जब फ्यूज करते हैं एक दूसरे से, यानी एक दूसरे में जब ये मिल जाते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों जायगॉट। याद रखना ये बायोलॉजी की टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं, जायगॉट बोलते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे दोस्तों जायगॉट फॉर्म होता है, यानी कि यहाँ पे जायगॉट जो है ना वह बनता है। तो अभी अगली लाइन यही कह रही है, इट इज़ कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी कि मिलते हैं मेल और फीमेल गैमेट और फ्यूजन होता है, इसी को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व टू पार्टिसिपेट्स, दो यहाँ दो लोग होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस इन कंपैरिजन टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है, स्लो होती है, जो मैंने आपको पीछे प्रोसेस पढ़ाई उसके कंपेयर किया जाए तो उससे ये कैसी प्रोसेस होती है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। यहाँ पे अगला लाइन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाई कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। मैंने आपको बताया ये जो पूरा प्रोसेस है, ये दो जो सेल्स होती हैं जिन्हें हम लोग सेक्स सेल्स कहते हैं, उनके कॉम्बिनेशन कारण होता है, कॉम्बिनेशन यानी वही बात, उनके फ्यूजन के कारण। अभी मैंने आपको इस बात को समझाया भी था पीछे वाले
बोर्ड पे, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे। आप देखो यहाँ पे अगली लाइन क्या कही जा रही है, अगली लाइन है द सेक्स आर कॉमनली नोन एज गैमेट्स, सॉरी यार, द सेक्स सेल्स आर कॉमनली नोन एज गैमेट। तो देखो यहाँ याद रखना, जो सेक्स सेल्स होती हैं उन्हें हम लोग गैमेट भी कहते हैं। ये दोस्तों गलती से यार लाइन लिखी है, इसके लिए सॉरी। पूरी लाइन है द सेक्स सेल्स कॉमनली नोन एज गैमेट, तो जो सेक्स सेल्स होती है उन्हें हम गैमेट भी कहते हैं। सेक्स सेल मेल में कौन सी होती है, स्पर्म होती है, फीमेल में कौन सी होती है, एग होती है, ठीक है, याद रखना शिक्षक के लिए, एक नंबर में पूछी जा सकती है। चलिए तो हम चलते हैं आगे। अब देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, जब विपरीत लिंग के दो माता पिता प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो कि नर और मादा के युग्मों के संग के संयोजन शामिल करते हैं, उसे लैंगिक प्रजनन कहा जाता है। इसमें विपरीत लिंग के पुरुष और महिला दो भाग लेते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन की तुलना में एक धीमी प्रक्रिया है। यौन प्रजनन विशेष प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन में होता है जिसे सेक्स कोशिका कहा जाता है। ये गलत है, यहाँ होगा दोस्तों सेल, जो सेक्स सेल्स होते हैं को आमतौर पर गैमेट के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सब वही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया अभी आपको मैंने इंग्लिश में, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट और भी हैं जो कि सेक्स सेल से रिलेटेड हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमेट फ्यूज विद अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जायगोट। ये गलत लिखा हुआ है, जायगोट ये है। तो यहाँ पे जो सेक्स सेल होता है, देखो जो मेल का सेक्स सेल यानी कि स्पर्म जब मेट करता है फीमेल के सेक्स सेल से यानी कि ओवा, तो जब ये प्लस हो जाते हैं दोनों, तो जो प्लस का रिजल्ट आता है वह भी समझ लो क्या होता है, वह होता है दोस्तों जायगोट। क्या होता है, जायगोट। तो हमेशा याद रखना, जब मेल का सेक्स सेल यानी कि स्पर्म फीमेल के सेक्स सेल यानी ओवा से जब मेट करता है, जब जुड़ जाता है, तो यहाँ बन जाता है दोस्तों आपका जायगोट। ओके, क्या बनता है, जायगोट। चलो आगे चलेंगे हम लोग। अब देखो इवेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों तीन इवेंट होते हैं, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये तीन भागों में होता है। पहले को हम दोस्तों प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं, दूसरे को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यहाँ पोस्ट नहीं आएगा, क्या हो रहा है आज, थोड़ा सा दोस्तों मिस्टेक हो जाती है यार नोट्स बनाने में कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपकी सही करा तो देता हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन पहला इवेंट होता है, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पूरी प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसमें दोस्तों तीन प्रोसेस होती हैं। पहली को कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरी को दोस्तों सिर्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ओके, सिर्फ फर्टिलाइजेशन, तीसरी को कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहली क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरी क्या है, फर्टिलाइजेशन, तीसरी क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हिंदी में बात की जाए तो पूर्व निषेचन, दूसरी है निषेचन, तीसरी है निषेचन के बाद। तो यहाँ हिंदी बात की जाए तो होती है तीन प्रोसेस। चलो आगे समझ लेते हैं पूरा सिनेरियो क्या है। अब देखो अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात की जाए तो यहाँ पे मुख्यतः होते हैं दो इवेंट, एक को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, दूसरे को कहते हैं कॉपुलेशन, गैमेटोजेनेसिस और कॉपुलेशन। अब गैमेटोजेनेसिस कुछ नहीं, गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी कि जो मेल की सेक्स सेल है वह कैसे बनती है और जो फीमेल की सेक्स सेल है वह कैसे बनती है, ये जो प्रक्रिया होती है फॉर्म होने की, इसी कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस पे अभी आप लोग इतना फोकस मत करिएगा क्योंकि यह मैं आपको ब्रीफ में आगे पढ़ाऊंगा, बस आप इतना याद रखो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे मेल की सेक्स सेल और फीमेल की सेक्स सेल फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है मेल की सेक्स सेल और फीमेल की सेक्स सेल की, उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अब दूसरा आता है कॉपुलेशन, जो कि आता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ही। तो कॉपुलेशन का दोस्तों कुछ मतलब नहीं होता, कॉपुलेशन का मतलब होता है देखो जब मेल और फीमेल एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, ओके, तो जो मेल का स्पर्म होता है वह पुट करा दिया जाता है फीमेल की वजाइना में, जैसे पुट करा दिया जाता है फीमेल की वजाइना में, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपुलेशन। तो गैमेटोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ओके, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को ही हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है कि मेल का गैमेट कैसे बनेगा, फीमेल का गैमेट कैसे बनेगा, इसी की जो प्रोसेस है, जो फॉर्मेशन वाली प्रोसेस है उसी को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। लेकिन जो कॉपुलेशन है उसका सिंपल सा मतलब होता है मेल और फीमेल
जब एक दूसरे के नज़दीक आते हैं तो होता क्या है, जो मेल का स्पर्म है वह एंटर करा दिया जाता है फीमेल की वजाइना में, ओके। और जब ये फीमेल की वजाइना में एंटर होता है तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉपुलेशन। इसे आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, कॉपुलेशन या फिर गैमेट ट्रांसफर दोनों एक ही बातें हैं, क्लोज एसोसिएशन पास आना मेल एंड फीमेल का फॉर द फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के फ्यूजन कराने के लिए। इसे आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, युग्मकों के संलयन में संलयन के लिए नर और मादा का घनिष्ठ संबंध, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हो कि गैमेटोजेनेसिस को हम कहते हैं युग्मक जनन, और ये होता है युग्मकों का निर्माण युग्मन, ठीक है। और कॉपुलेशन का मतलब होता है युग्मक स्थानांतरण, ठीक है। और हिंदी में कहें तो युग्मकों के संलयन के लिए नर और मादा का घनिष्ठ संबंध, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी पूरी बात दोस्तों समझ में आनी चाहिए। अब देखो अगर मेल के सेक्स सेल को देखा जाए जो कि होती है स्पर्म, देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, तीन बातें हमेशा याद रखना। मैं काफ़ी बार कहूँगा सेक्स सेल, काफ़ी बार कहूँगा गैमेट, और काफ़ी बार कहूँगा जर्म सेल। आप लोग बुद्धिजीवी हैं तो आप लोग याद रखना, सेक्स सेल, जर्म सेल और गैमेट ये तीनों एक ही बातें होती हैं। अगर बात की जाए सेक्स सेल की मेल में तो यह होता है स्पर्म, बात की जाए फीमेल में तो यह होता है ओबा, इसे हम लोग एक भी लिख लेते हैं, इसे हम लोग एक भी कहते हैं। तो स्पर्म और ओबा या फिर एग ये होते हैं आपके जो कि सेक्स सेल्स होती हैं, दिस इज द सेक्स सेल ऑफ मेल एंड दिस इज द सेक्स सेल ऑफ फीमेल, इन्हें याद रखना। अब देखो अगर मैं बहुत ही एचडी में इमेज दिखाऊं स्पर्म के सेक्स सेल की तो ये देख पा रहे होंगे, फीमेल की सेक्स सेल की आपको इमेज दिखाऊं तो आप अपने मोबाइल के सीधे हाथ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि फीमेल की सेक्स सेल है। मेल की सेक्स सेल आप अपने मोबाइल के डेढ़े हाथ पे यानी कि लेफ्ट हैंड पे देख पा रहे होंगे। जो मेल की सेक्स सेल होती है यह एक होती है आप लोग देख पा रहे होंगे पूंछ की शेप में, जो फीमेल की सेक्स सेल होती है उसका नाम ही एग है तो वो सीधी सी बात है अंडे की आकृति की ही होगी यानी कि गोल होगी। चलो आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा, तो दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो बस करना कुछ नहीं है, जैसे कि आपको पता ही है इस दुनिया के अंदर कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलने वाला, हर एक चीज़ का दोस्तों कुछ ना कुछ लगता है आज के टाइम पे पैसा, ओके। लेकिन हम लोग आपसे किसी तरीके का चार्ज तो करने वाले हैं नहीं, समझ रहे हो। तो बस आपको छोटी सी कीमत आप चाहें, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस वीडियो की दे सकते हैं, वो यह है दोस्तों कि इस वीडियो को ज़रूर से दोस्तों शेयर कर दें, क्या कर दें, इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर से शेयर कर दें, बस मेरी आपसे दोस्तों यही एक रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है। दोस्तों मैं इस क्लास को यहीं पर रोकता हूँ, थैंक यू, जय हिंद।